हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3rd तक बता चुके हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये हमारा क्लास 11 था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया है कि यदि u बराबर आपको एक सेट के फॉर्म में दिया गया है और a बराबर आपको एक सेट दिया गया है, एक सेट b दिया गया है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट दिए गए हैं जिन्हें हम अवयव कहते हैं। आगे आपसे बोला है कि तो सत्यापित कीजिए कि पहला क्वेश्चन इसमें बोला है a यूनियन b का होल डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि क्या a यूनियन b का होल डैश ये बराबर होता है a डैश इंटरसेक्शन b डैश से। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोला है a इंटरसेक्शन b डैश b का होल डैश बराबर a डैश यूनियन b डैश। तो चलिए इसे हम प्रूव करते हैं कि क्या सच में ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं हैं। ये हमें प्रूव करना है और ये सभी हमें दिए गए थे क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं, पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ए यूनियन बी का होल डैश। अब आप देखिए, ए यूनियन बी का होल डैश जिसे हम पूरक समुच्चय कहते हैं, ये क्या होता है? तो ये हमारा होता है, यहाँ जो कुछ भी है उसे अगर हम यू में से, जिसे हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं, अर्थात ये जो यू दिया गया है इसी को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें जो दिए गए सेट होता है वो सभी उनका मतलब सब सेट होता है। अर्थात कहें ए और बी जो भी सेट यहाँ पर दिया हो, इन सभी के एलिमेंट अगर यू में उपस्थित है तो वो उसका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अब देखिए, यू में से हम क्या करते हैं, पूरक समुच्चय ज्ञात करने के लिए यू में से अगर हम ए यूनियन बी को निकाल दें तो ये हमारा होता है ए यूनियन बी का होल्ड है, जिसे हम पूरक समुच्चय कहते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि ए यूनियन बी कितना है, तभी तो आप निकालेंगे। तो चलिए हम इसके पहले यहाँ पे ज्ञात करते हैं कि ए यूनियन बी हमारा क्या होगा। अब देखिए, यूनियन बी को हम कहते हैं ए सम्मिलन बी, किसी का हिंदी रूपांतरण होता है। अब देखिए, ए यूनियन बी हम कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और जो हमारा ये देखिए, ये ए है और ये बी है, इनमें से जो कॉमन होते हैं और जो बचे एलिमेंट होते हैं उन सभी को लिखते हैं। अर्थात उभयनिष्ठ एलिमेंट को, उभयनिष्ठ अवयव जो होते हैं उन्हें सिर्फ एक बार लिखते हैं, और जो बचे अवयव होते हैं उन्हें हम इस प्रकार से लिख देते हैं। अर्थात इसका ए यूनियन बी जो हमें प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे दो बार आया है, तो आप यहाँ पे दो बार नहीं लिखते हैं, आप यहाँ पे एक ही बार लिखेंगे। उभयनिष्ठ को हम एक ही बार लिखते हैं, उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन होता है। फिर 3 हो जाएगा, फिर हमारा क्या होगा 4 5 6 7 8, ये हमारा ए यूनियन बी हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए, हमें यहाँ पे यू में से अगर ए यूनियन बी को निकाल दे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यू हमारा यहाँ पे दिया गया है, इसमें से हमें ए यूनियन बी को निकालना है। अब ए यूनियन बी देखिए हमारा क्या आया है, 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा ए यूनियन बी आया है। अब देखिए, 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम यहाँ निकाल दें यहाँ तक के एलिमेंट को, अवयव को यहाँ तक के, तो हमें हमारा इसमें यू में बचेगा क्या, क्योंकि हम यू में से निकाल रहे हैं तो बचे हुए जो एलिमेंट होंगे वो यू के ही होंगे। तो यू में क्या बचा है, 1 बचा है और यहाँ पे 9 बचा है। अर्थात आपसे कहें कि ए यूनियन बी हमें क्या प्राप्त होगा, ए यूनियन बी का होल डैश हमें प्राप्त हुआ है 1,9। अब हमें इस वाले पार्ट को लेना है और दिखाना है क्या 1,9 हमें आ रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, तो ये क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन जिसे हम सर्वनिष्ठ कहते हैं, अर्थात जो दोनों में कॉमन होती हैं वही इंटरसेक्शन कहलाती हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे हमें इसे निकालने के लिए ए डैश की ज़रूरत होगी और बी डैश की ज़रूरत होगी। तो ए डैश हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ए डैश बराबर होता है यू माइनस ए। देखिए, जहाँ भी डैश मतलब पूरक समुच्चय डैश लगा हो वहाँ पे हम सीधे यू में से घटा देते हैं। अब देखिए, यू में से अगर ए को निकाल दे, ये हमारा ए है,
इसे हम यू में से निकाल देते हैं, ये क्या है 2 4 6 8, अगर हम यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 को निकाल देते हैं, यहाँ पे बचेगा क्या हमारा 1 कामा 3 कामा 5 कामा 7 कामा 9, ये हमारा बचेगा यू माइनस ए। यू में से क्या किए हैं, ए को निकाल दिए, ए हमारा क्या था 2 4 6 8 था, अगर 2 4 6 8 को निकालेंगे तो 1 3 5 7 ये हमारा बचेगा, 1 3 5 7 और 9 तो ये हमारा यहाँ पे बच गया। ऐसे हम यहाँ पे बी डैस भी ज्ञात करेंगे क्योंकि यहाँ पे बी डैस की भी हमें ज़रूरत है। अब बी डैस क्या होता है, तो यू माइनस अगर बी को निकाल दें, यहाँ पे देखिए बी था तो यहाँ पे बी लिए, यहाँ पे ए था तो यहाँ पे ए लिए हैं, अगर सी होता तो हम यू माइनस सी करते लेकिन सी तो है नहीं यहाँ पे, तो हम बी वाला ही ले। अब देखिए बी में बी जो बी के जो एलिमेंट दिए गए हैं इन्हें हम क्या करना है, यू में से निकालना है। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है 2 3 5 7, अगर 2 3 और 5 7 इनको निकाल दें तो जो बचे एलिमेंट होंगे वो हमारा बी डैस कहलाएगा। तो चलिए निकाल के लिखते हैं यहाँ पे 1 कामा 4 कामा 6 कामा 8 कामा 9, ये हमारे एलिमेंट इतने बचे हैं जिसे हम कहेंगे बी डैस। अब देखिए हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ पे ज्ञात करना है ए डैस इंटरसेक्शन बी डैस, ये हमारा प्राप्त हुआ ए डैस और ये हमारा प्राप्त हुआ बी डैस, इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब देखिए इंटरसेक्शन मतलब कामन, इन दोनों में आपको कामन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है, सिर्फ 2 ही ऐसे अंक है जो दोनों में उपस्थित है, दोनों में कामन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो उनको हम सिर्फ देखेंगे क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डैस बुलाता था, ए डैस इंटरसेक्शन बी डैस, तो ये ए डैस था ये बी डैस था, इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालेंगे था, दोनों में जो उभयनिष्ठ होंगे उनके वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो ए कामा 9 आया है ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए यूनियन बी का होल डैस। अतः हम कह सकते हैं कि ए डैस इंटरसेक्शन बी डैस बराबर ए यूनियन बी का होल डैस, जो कि हमें यही क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ये देखिए हमारा दूसरा है, इसमें बोला है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। तो चलिए सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। हम जैसे आपको पहले बताएं कि कैसे हम ज्ञात करते हैं इंटरसेक्शन और ए डैश, तो अब इस प्रकार से भी यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसे हम किस प्रकार से ले सकते हैं, यू में से इन सभी जो एलिमेंट हैं उन्हें हम क्या कहते हैं घटा देते हैं, अर्थात यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब है कि इन दोनों में ए और बी में जो कामन एलिमेंट होते हैं वो हमारे ए इंटरसेक्शन बी कहलाएंगे। तो आप देखिए इन दोनों में कामन क्या है, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो हम 2 को लिख लेंगे, फिर देखिए 3 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, अर्थात देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी हमें सिर्फ 2 प्राप्त हुआ। तो यू में से अगर हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी अगर 2 को घटा दें, यू में से 2 निकाल दें, यही तो बात है यहाँ पे, तो यू में से अगर 2 को निकालेंगे तो बचेगा हमारा क्या, यहाँ पे बचेगा 1 कामा 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे एलिमेंट बचेंगे यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी से, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश हमें ये प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ पे दूसरा लेंगे, दूसरा हमारा क्या है ए डैश यूनियन बी डैश। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको ए डैश की ज़रूरत होगी, तो ए डैश बराबर होता है यू माइनस ए। अब यू में से आप अगर ए को निकाल दें तो यू हमारा यहाँ पे है और ये ए हमारा है, तो बचेगा हमारा क्या 1 कामा 3 कामा 5 कामा 7 कामा 9, ये हमारा ए प्राप्त हुआ। ऐसे ही हम यहाँ पे बी डैश निकालेंगे, बी डैश मतलब यू माइनस बी, और यू में से बी को अगर निकाल दे तो हमारा बचेगा 1 कामा, यहाँ पे क्या बचेगा 4, फिर हम 7 को निकालेंगे तो 6 बचेगा, 8 बचेगा, 9, ये हमारा क्या प्राप्त हो गया यू माइनस बी। अब देखिए हमें ए डैश यूनियन बी डैश लेना है, यूनियन मतलब कामन के साथ साथ जो बचे एलिमेंट हैं उन्हें भी लिखते हैं, तो ये हमारा ए डैश है और ये हमारा बी डैश है। तो चलिए देखते हैं इनमें सबसे पहले देखते हैं कि सभी एलिमेंट में कामन क्या है, तो कामन आपको सिर्फ 1 और 9 दिखाई देना है, लेकिन कामन के साथ साथ हमें और बचे एलिमेंट को लिखना रहता है, तो 1 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 7 8 9, ये हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए इन दोनों में दोनों हमारा सेम आया था, 1 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी वही एलिमेंट हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारा इक्वल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, क्योंकि ये इसी के बराबर था, तो ये हम लिख सकते हैं ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर, अतः ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे सिद्ध हो गया।
अब देखिए यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। अब देखिए इसके लिए हमें वेन आरेख खींचना है, तो वेन आरेख क्या होता है ये हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, तो आप अगर उन्हें प्रीवियस पार्ट देखें तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हैं। देखिए हमें इसका अब वेन डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार एग्जांपल से समझाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वेन डायग्राम कैसे बनता है। तो हम पहले यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, जैसे हम आपको बताएं, जैसे यहाँ पे हम यू बराबर कुछ मान लें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम यू बराबर मान लिए। और यहाँ पर ए बराबर भी हम इसी प्रकार से कुछ मान लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये हमारा ए हो गया। और बी बराबर हम ले लेते हैं 2 6 8 7 8, ये हमारा हो गया यहाँ पे बी। अब देखिए अगर हम आपसे कहें कि इसे हमें ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी को हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं यू माइनस ए यूनियन बी। अब आपको ए यूनियन बी ज्ञात होना चाहिए तभी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं कि ए यूनियन बी बराबर हमारा क्या आएगा। अब देखिए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, इन दोनों का अगर यूनियन निकालें तो हमें प्राप्त होगा 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, ये हमें क्या प्राप्त हुआ ए यूनियन बी। अब देखिए यू में से अगर हम 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निकाल दें, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 को अगर निकाल दें तो हमारा जो बचा एलिमेंट होगा उसे हम लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बचा हमारा क्या है, बचा हमारा सिर्फ यहाँ पे 5 है, तो हम कहें कि जो हमारा ए यूनियन बी का डैश हुआ वो 5 प्राप्त हुआ। अब देखिए ये तो हमारा, इसे हम इस प्रकार से समझा सकते हैं, अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो किस प्रकार से बनाएगा था, वेन डायग्राम इसका बनाए तो कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक हम यू लेंगे, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे एक यू, इसे हम थोड़ा और ऊपर बनाते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा यहाँ पे U हो गया, ये टोटल हमारा क्या है यहाँ पे U है। अब देखिए आपसे क्या बोला है, A बराबर हमारा 1, 2, 3, 4 है और B बराबर 2, 6, 7, 8। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ये A बनाएं और ये हमारा क्या है B है, ये हमारा क्या है B है, A में हमें कौन सा एलिमेंट लेना है 1, 2, 3, 4 और B में 2, 6, 7, 8। और ये पीछे वाला जो पार्ट होता है आप जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो दोनों में कामन होता है, A और B में जो कामन होता है वो इसमें आते हैं। अब देखिए A और B में हमारा कामन क्या है, तो A और B में आपको कामन दिखाई दे रहा होगा कि 2 यहाँ पर आ गया और बचे हुए एलिमेंट को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा A हो गया और ये हमारा क्या है बी है, बी में क्या क्या है 2, 6, 7, 8, ये हमारा है बी। अब देखिए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये पूरा जो इसमें एलिमेंट है वो हमारे क्या है यू कहलाएंगे, क्योंकि यू में हमारे देखिए सभी एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर देखिए यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 कहीं भी होगा वो यू में आएगा, हम यू में कहीं भी 5 लिख सकते हैं, बस इस जो वृत्त है इनमें ना आए और बची जगह कहीं भी हो सकता है। अब देखिए जो हमें ए यूनियन बी का होल डैश जो प्राप्त हुआ वो हमें क्या मिला है 5, अर्थात देखा जाए 5 सिर्फ हमारा यहीं पे है, अगर हम ये यू में से इनको निकाल दें तो जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा ए यूनियन बी का होल डैश। तो ये देखिए ये हमारा इस प्रकार से अगर हम इसे शेडो करें तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, ये वाला जो भाग है वही हमारा कहलाएगा, रंगा हुआ जो भाग है यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी का होल डैश, ये जो रंगा वाला टोटल भाग है क्योंकि इसी में हमारा 5 कहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम डायग्राम बना सकते हैं, ये तो हम आपको एग्जांपल के जरिए समझाए हैं। अब हम चलिए वैसे बताते हैं कि आप कैसे वैसे बनाएंगे, क्योंकि पेपर में आपको एग्जाम्पल से नहीं प्रूव करना होगा। अब देखिए हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले एक हमारा क्या बनेगा, एक हमारा ये यू बनेगा, ये हमारा हो जाएगा यू, से माउथ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब इसमें हमें बनाएंगे ए हमारा और ये हमारा हो जाएगा बी, ये देखिए ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, ये हमारा बी है। अब हमें
ए यूनियन बी डैश अर्थात हम इसे लिखना चाहें तो यू माइनस ए यूनियन बी लिख सकते हैं। अब आप सोचिए कि हमारा ए यूनियन बी क्या होता है, तो ये जो वृत्त है और ये जो है यही हमारा ए यूनियन बी अर्थात ये सब जो है यही हमारे क्या कहलाते हैं, ए यूनियन बी कहलाते हैं। इन्हें हमें यू में से निकालना है, वही हमारा क्या बचेगा, ए यूनियन बी का डैश कहलाएगा। तो ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा पूरा यू है। इसमें से इनको निकाल दें तो बचेगा क्या भाग, तो बचेगा जो हमारा भाग वो यही हमारा भाग बचेगा जिसे हम यहाँ पे लाइन कर रहे हैं। ये जो भाग बचेंगे यही हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे ए यूनियन बी का होल डैश। देखिए इस प्रकार से ये हमारा फिगर बनेगा। ये हम दोनों ए जो बी हैं इन्हें हम निकाल चुके हैं, तो ये बचा हुआ भाग है वही हमारा ए यूनियन बी का होल डैश हुआ था। यू में से अगर निकाल दें तो वही हमारा प्राप्त होगा। ऐसे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए इसका हम फिगर कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें एक यू बनाना होगा। ये हमारा हो गया यू। अब देखिए ए डैश का मतलब होता है कि ए डैश मतलब हम पूछे तो आप क्या बताएंगे, ए डैश मतलब बताएंगे कि यू में से अगर ए को निकाल दें तो जो प्राप्त होगा वो हमारा ए डैश कहलाएगा। ये हमारा पूरा यू है, अगर इसमें से हम ए को निकाल देते हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ए को निकाल दे तो ये जो बचा हुआ भाग वो हमारा कहलाएगा ए डैश। ऐसे अगर हम आपसे बी डैश पूछे तो बी डैश क्या होता है, बी डैश होता है हमारा अगर यू में से हम बी को निकाल दें तो वो हमारा बी डैश कहलाता है। अगर ये हमारा टोटल यू है इसमें से अगर हम बी को निकाल दें तो ये हमारा क्या है, बी है, इसे हम निकाल देते हैं तो ये बचा जो भाग होगा वो हमारा बी डैश होगा। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या बोला है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर देखिए ये हमारे दोनों ए और बी हैं तो ए डैश जो हम निकाले हैं ये हमारा क्या है, बचा हुआ भाग ए डैश है, और ये जो हमारा है वो बी डैश है। हमें ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन को बाहर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए ये हमारा हो गया ई और ये हमारा बी। अब इन दोनों को निकालना है, अर्थात इसके इंटरसेक्शन को निकालना है। ये वाला जो भाग है वो हमारा क्या है, इंटरसेक्शन वाला भाग है। इन्हें जब निकाल देंगे तो हमारा बचेगा क्या भाग, बस हमारा ये वाला भाग बचेगा जो हम यहाँ पे रेखा खींच रहे हैं, बस यही हमारा भाग बचेगा निकालने के बाद। देखिए आपको भी आप फिर से बता रहे हैं इसमें क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। ई डैश मतलब होता है यू माइनस ए, तो यू में से ये हमारा पूरा था यू, ये हमारा पूरा तो क्या था, यू हमारा पूरा यू था, इसमें से ए को निकाल दिए हैं तो ये हमारा ए डैश बच गया। और फिर देखिए बी डैश क्या होता है, यू में से अगर हम बी को निकाल दें तो वो हमारा बी डैश कहलाता है। अर्थात ये हमारा पूरा यू था, इसमें हम बी को निकाल दिए तो ये बचा हुआ जो भाग होगा वो हमारा बी डैश कहलाएगा। अब देखिए कह रहा है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अर्थात हम यू में से हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को बाहर निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अर्थात देखा जाए तो पहले हम ए डैश में कुछ एलिमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा ए डैश निकल चुका है और बी निकल चुका है, तो जो इसके इंटरसेक्शन होगा वो भी इसमें नहीं आएगा, बस ये जो भाग बचा हुआ भाग होगा वही हमारा क्या लाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का होल डैश, नहीं होल डैश नहीं है, बस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आप इसे एग्जाम्पल के जरिए भी समझ सकते हैं, जैसे हम आपको पहले ही एग्जाम्पल से मांगे थे कि एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि यू बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हम यू बराबर ले लेते हैं, और ए बराबर ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, और बी बराबर ले लेते हैं हम यहाँ पे 2 5 नहीं 2 6 7 8, ये हमारा बी हो गया। तब देखिए अगर हम आपसे ए डैश पूछे तो आप ए डैश मतलब यू में से ए को निकाल देंगे तो बचा वाला वो हमारा ए डैश कहलाएगा। तो यू में से अगर ए को निकाल दें तो यहाँ पे बचेगा 5 6 7 8, ये हमारा ए डैश प्राप्त हुआ। ऐसे हम बी डैश निकालें तो बी डैश अर्थात यू में से बी को निकाल देंगे तो बचेगा हमारा 1 3 4 5, ये हमारा बच गया यहाँ पे 1 3 4 5, ये हमारा क्या बचा, बी डैश। अब हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करना है। अब देखिए दोनों में कामन क्या है, दोनों में आपको 5 कामन दिखाई दे रहा होगा। अब यही चीज़ हम इस फिगर में दर्शाए अगर, तो ए में हमारा क्या है 1 2 3 4 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं 1 3 4, क्योंकि 2 इन दोनों में कामन है इसलिए उभयनिष्ठ वाले पार्ट में आएगा था, सर्वनिष्ठ वाले में आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 6 7 8, तो ये हमारा बी वाला पार्ट है, 2 आ गया, 6 7 8, ये हमारा हो गया बी वाला। अब जो हमें ए डैश
यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश प्राप्त है वो हमारा 5 है। तो 5 देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 है, 5 हमारा आएगा तो यही यू में तो होगा। अगर 5 हमारा ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, तो 5 हमारा है क्या? 5 हमारा यू में है। तो अगर इनको हम निकाल देंगे तो बस हमारा यही 5 आएगा जो हमारा कहलाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यही जो रंगा हुआ भाग है यही हमारा हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आप किस प्रकार से भी वेन डायग्राम बना सकते हैं। अब तीसरा हमारा है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अब देखिए इसका हम फिगर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक मानते हैं यू, ये हमारा हो जाएगा यू, और इसमें हम क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम यू में से अगर निकाल दें तो ये देखिए ये हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। इंटरसेक्शन मतलब होता है ये जो बीच वाला भाग है, तो बीच वाला भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, यही हमारा इतना बीच वाला भाग है, ये हमारा क्या है बीच वाला भाग है। अब देखिए आपसे बोला क्या गया है कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब यू में से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दें तो वो हमारा कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो यही हमारा जो भाग है इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसी को हम कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा क्या है ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसी को हमें यू में से निकालना है। तो इसे हम जब बाहर निकालेंगे तो जो बचा हुआ भाग होगा वो हमारा कहलाएगा ए यू इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो बचा वाला भाग यही तो हमारा है, ये हमारा बी है, ये हमारा सॉरी ए है बी है। तो बचे हुए भाग से अगर निकाल दें, इंटरसेक्शन वाले भाग को अगर निकाल लें, तो बचा भाग हमारा क्या है, ये हमारा इसमें पूरा आएगा ये वाला भाग, क्योंकि हम इसके सिर्फ इंटरसेक्शन वाले भाग को निकाल रहे हैं। अगर यूनियन बोलता तो हम ए को भी छोड़ देते, तो ये जो हमारा भाग होगा यही हमारा सिर्फ बचेगा, इसमें इसे हम बाहर निकालेंगे, और ये जो बचा हुआ भाग है वो हमारा कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अगला हमारा है ए डैश यूनियन बी डैश। अब देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा हो गया यहाँ पे ए यू हो गया, ये हमारा क्या है यू है। अब देखिए इसमें से हमें ए डैश निकालना है, ए डैश का मतलब क्या होता है यू माइनस ए, तो यू ये हमारा यू है, इसमें से अगर हम ए को निकाल दें तो ये हमारा बचेगा वो इसे वृत्त को आप सही तरीके से बना सकते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। और बी डैश अगर पूछे तो बी क्या हो जाएगा, अगर हम इसे निकालें तो यू माइनस बी होता है, तो यू में से अगर हम बी को निकाल दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा यू माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए हमें इसका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, अर्थात इन दोनों में से अगर हम यूनियन वाले भाग को निकाल दें तो वो हमारा बी डैश कहलाएगा। अब देखिए ए यूनियन बी अर्थात ए डैश यूनियन बी डैश, तो ये हमारा ए डैश हुआ ये भाग बचा हुआ भाग, और ये हमारा इसको निकाल देंगे तो बी डैश हुआ। और यूनियन में यह क्या होता है कि जो दोनों आता है, जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल से बताएँ एग्जाम्पल के हिसाब से तो और आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पे इस फिगर में क्या होगा, इस वाले भाग को सिर्फ हम बाहर निकालेंगे, तो ये जो बचा हुआ भाग होगा वही हमारा क्या हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्ट ए डैश यूनियन बी डैश, ये बीच वाला भाग नहीं इसमें सम्मिलित होगा। अब देखिए चलिए से हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं यू, यू बराबर कुछ ले लीजिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गया, और ए बराबर आप ले लीजिए 1, 2, 3, 4 ये हमारा ए हो गया। ऐसे अगर हम आपसे कहें कि बी बराबर कुछ लीजिए तो बी बराबर क्या लेंगे, बी बराबर कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ लेने की बात मतलब एलिमेंट की बात कर रहे हैं 2, 6, 7, 8 आप ये बी बराबर ले लीजिए। अब देखिए हमें पहला है ए डैश, ए डैश अगर हम आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, यू में से ए को निकाल दिए वही तो हमारा ए डैश होता है, तो बचा क्या भाग हमारा 5, 6, 7, 8 ये हमारा ए डैश हुआ। ऐसे ही बी डैश निकालिए तो बी डैश हमारा क्या होगा, यहाँ पे यू में से बी को निकाल देंगे तो बचेगा हमारा भाग ये वाला भाग बच जाएगा 1, 3, 4, 5। अब हमें ए डैश यूनियन बी डैश ज्ञात करना है, ए यूनियन बी डैश हमारा क्या होगा, इन दोनों में कॉमन के साथ साथ जो बचे एलिमेंट होंगे उन्हें भी हम लिखते हैं, तो वो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा अर्थात 1, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारा ए डैश इंटरसेक्ट ए डैश यूनियन बी डैश प्राप्त हो गया। अब देखिए हमें यही ज्ञात करना है, ये हमारा आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ए में हमारा है, यहाँ पे 2 लिखते हैं 1, 3, 4 ये हमारा ए है, और बी में क्या है 2, 6, 7, 8 ये हमारा बी है। अब हमें वो भाग ज्ञात करना है, हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है 1, 3, 4 ये भी तुम्हारा ए डैश यूनियन बी डैश यही आपका आंसर आना चाहिए, अर्थात छायांकित भाग है वो हमारा ये एलिमेंट आने चाहिए उसमें। और देखिए इसमें कौन कौन एलिमेंट हैं 1, 3, 4, 5, 6,
सात आठ ये हमारे हैं यहाँ पे। तो देखिए एक तीन चार पाँच तो हमारा यू में ही आएगा, पाँच हमारा इन दोनों में अगर नहीं है तो पाँच हमारा इसी में तो होगा यू में। पाँच छः सात आठ ये हमारे टोटल भाग यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ दो नहीं है, अर्थात हम सिर्फ जो छायांकित भाग है वो हमें इतना प्राप्त होना चाहिए, तो इतना हमें प्राप्त हुआ, इसलिए ये दो जो दो है ये इसमें सम्मिलित नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोला है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सावेती समुच्चय है जिसे हम U कहते हैं, मतलब जो हमारा U है वो आल ट्रायंगल था सभी त्रिभुज है उसमें, सभी त्रिभुज जितने प्रकार के आप त्रिभुज जानते हैं वो सभी त्रिभुज इसके अंदर आएंगे सावेती समुच्चय के अंदर, ये खुद बोला है। आगे बोला है कि यदि A उन सभी त्रिभुजों का एक समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। अब देखिए ये बोला है जो एक ए सेट जो बोला है उसमें बोला गया है कि ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक जो कम से कम जो एक कोण है वो 60 से भिन्न है, 60 से अलग है। अब देखिए तो फिर बोला है ए डैश क्या होगा। अब आप खुद सोचिए कि हमें यू जो दिया गया है वो आल त्रिभुज दिया है, मतलब सभी त्रिभुज दिया गया है यू में उपस्थित है, और ए एक ऐसा बोला है कि जिसमें 60 अंश का एंगल कम से कम मतलब से भिन्न हो, मतलब इससे अलग हो, 60 से अलग हो कम से कम एक एंगल, ये बोला गया है। तो यहाँ पे जो ए डैश होगा था तो यू में से अगर ए डैश को निकालेंगे, सॉरी यू में से अगर हम ए को निकालेंगे वही हमारा ए डैश बचेगा। तो यू में से अगर हम ए को निकाल दें तो हमारा क्या बचेगा कि सम बहुभुज क्या होगा यहाँ पे, सॉरी बहुभुज नहीं त्रिभुज, सभी सम त्रिभुजों का एक सेट प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या होगा कि सभी सम त्रिभुज का एक सेट, ये हमारा ए डैश प्राप्त होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखिए इसमें आपको क्या बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। अब आपको यहाँ पे इसको भरना है। पहला बोला है ए यूनियन ए डैश, ये हम आपके जब हम आपको पूरक के कुछ गुरुधर्म में बता रहे थे तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि इसके कुछ कंडीशन जहाँ हम आपको प्रूव करके भी इसे दिखाए थे। तो आप पहले उस पार्ट उस वीडियो को देखिए जो इसके पहले वाला वीडियो था, शायद 9 या 10 वीडियो पार्ट 10 होगा, उसमें हम आपको बताए हैं कि ए यूनियन ए डैश बराबर हमें यू प्राप्त होता है। तो आप उसे वहाँ पे मैंने प्रूफ भी इसे किया है, तो आप उस चीज़ को वहाँ से देख सकती हैं। सेम यही क्वेश्चन ही था, मतलब यहाँ पे जिस ये आपको भरने के लिए बोला है वैसे वहाँ पे दिया गया था प्रूफ करने के लिए। अब अगला है यहाँ पे फाई डैश यूनियन इंटरसेक्शन ए, हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे हम इसे सेम वैसे ही प्रूफ किए थे, तो आप एक बार उसे देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बोला फाई डैश यूनियन इंटरसेक्शन ए, तो चलिए इसे हम बताते हैं कि यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें फाई डैश को हम क्या लिख सकते हैं, फाई डैश को हम लिख सकते हैं यू माइनस ए। अगर हम यू बराबर कुछ मान लें जैसे 1 2 3 4 5 6 ये हम मान लेते हैं ये हमारा यू है। अब हम यहाँ पे ए बराबर कुछ ले लेते हैं 1 2 3 ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा यू है ए है। तो देखिए यू हम फाई डैश बराबर क्या है, फाई डैश बराबर होता है यू माइनस ए। तो यू में से अगर हम ए को निकाल दें तो वो हम सॉरी ए नहीं यहाँ पे फाई है, तो यहाँ पे फाई आएगा, ये फाई है तो फाई वाला वैल्यू आती है ना। तो यू में से अगर हम फाई को निकाल दें तो जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा फाई डैश। अब देखिए यू में से फाई ये हमारा यू है, इसमें से फाई, फाई मतलब होता है रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। तो फाई में जब रिक्त समुच्चय निकालेंगे तो इसका मतलब यू ही हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, अर्थात हमें मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारा फाई डैश हो गया। अब हमसे बोला है फाई डैश इंटरसेक्शन ए, क्या बोला है फाई डैश इंटरसेक्शन ए हमसे बोला गया है, तो ये हमारा फाई डैश है। अब इसका इंटरसेक्शन ए कर दे तो क्या मिलेगा, ए में हमारा क्या है 1 2 3 है, इनमें जो कामन होगा वही हमें प्राप्त होगा, तो कामन क्या है 1 2 3, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब होता है सर्वनिष्ठ जो इसमें कामन होता है, तो इन दोनों में कामन हमारा क्या है 1 2 3 ही कामन है। अब देखेंगे 1 2 3 ये बराबर किसके है, ये बराबर है ए के, तो इसे हम इक्वल ए लिख सकते हैं। अतः हम यहाँ पे कहें कि फाइव डैश इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होगा हमारा यहाँ पे ए ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे हमारा फाइव डैश इंटरसेक्शन ए बराबर क्या मिला, हमें ए ही
मिला है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन ए डैस, ए इंटरसेक्शन ए डैस बराबर होता है फाई, ये हम आपको बता चुके हैं, इसमें प्रूफ करवाए थे। और यूनियन डैस अर्थात यू डैस इंटरसेक्शन ए डैस ये क्या होता है? अब देखिए यू डैस मतलब यहाँ पे एग्जांपल के जरिए हम आपको बताएं U डैश इंटरसेक्शन ए हमें ज्ञात करना। सबसे पहले हम U बराबर कुछ लेते हैं जैसे एक कामा दो तीन चार, आप सोचेंगे हम बार बार यही अंक क्यों ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे ए बी सी डी जो आपके दिमाग में आए आप वो लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा जल्दी से होगा इसलिए हम यहाँ पे एक दो तीन चार ये अंक लिए जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए हम आपसे कहें ए बराबर, आप ऐसा लेंगे कि जो यू में उपस्थित होगा, तो हम ए बराबर लेते हैं 1 2 3 4, ये हम ए ले लेते हैं। अब हम अगर आपसे पूछे कि यू डैश किस प्रकार से निकलेगा, तो यू डैश निकालने के लिए हमें यू में से यू को घटाना होगा, मतलब यू तो हम सब में से घटाते हैं लेकिन यू जो यहाँ पे एलिमेंट होता है उसे भी घटा देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा यू है, इसी में से अगर हम यू को ही निकाल दें, ये जो दिया है इसी को हम बाहर निकाल दें, तो बचेगा क्या हमारा यहाँ पर, बचेगा फाई। यू में से आप यू को निकालेंगे तो बचेगा हमारा यहाँ पे फाइव रिक्त समुच्चय जिसमें ए भी एलिमेंट नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि यू डैश इंटरसेक्शन ए अर्थात यू डैश तो हमारा फाइव आ गया, इंटरसेक्शन ए में क्या है, ए में हमारा 1 2 3 4 हमारा ये उपस्थित है। अब फाइव और इंटरसेक्शन इन दोनों में जो कॉमन होता है उसे हम लिखते हैं। इन दोनों में आपको कॉमन दिखाई क्या दे रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, आप खुद देखिए ये फाई है मतलब खुद रिक्त है और 1 2 3 4 है, तो कॉमन हमें अभी क्या दिखाई दे रहा है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो उसे हम क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे यू डैश इंटरसेक्शन ए बराबर क्या जाएगा, हमारा फाई जाएगा, जो कि आपको यही भरना था उसमें। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब जो अगला एक्सरसाइज है 1.6 वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसके पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि वहाँ पे कुछ मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं।